वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए हम वर्क स्पेस कैसे सेटअप करते हैं। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो आई हाईली रिकमेंड टू गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो एंड देन कम टू वॉच दिस वीडियो। ओके, तो यहाँ देख सकते हो कि हमने स्प्रिंग का डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद ये सारे जार्स क्लास पाथ में ऐड हो गया था। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कितने टाइप के स्प्रिंग कंटेनर होते हैं और इसमें जो बेसिक स्प्रिंग कंटेनर होता है उसका यूज करके एक एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है, इसमें सोर्स कोड लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको जाना है गूगल पे, यहाँ टाइप करना हो स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन, राइट, स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो स्प्रिंग का डॉक्यूमेंटेशन वाली जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको, स्प्रिंग 5 है, राइट। यहाँ पर जो कोर स्प्रिंग है विच कंटेन्स IOC कंटेनर, IOC का मतलब होता है इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल कंटेनर, राइट। इवेंट्स के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रहा है, SPEL मतलब स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज एंड ऑल। तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ आप इस पेज पे नेविगेट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हो कि स्प्रिंग जो IOC कंटेनर के बारे में बता रहा है। जब हम IOC कंटेनर की बात करते हैं तो हाई लेवल पर देर आर टू टाइप्स ऑफ IOC कंटेनर। पहला है बीन फैक्ट्री और दूसरा है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। दोनों अलग अलग पैकेज में, बीन फैक्ट्री इस पैकेज में होगा और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इस फैक्ट्री में होगा। जो बीन फैक्ट्री है वो बेसिक टाइप ऑफ कंटेनर है, राइट, और ये है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एडवांस टाइप ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट IOC कंटेनर है स्प्रिंग का। लेकिन IOC कंटेनर होता क्या है? IOC कंटेनर इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल कंटेनर मतलब स्प्रिंग कंटेनर। ये स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है कि जैसे आप कोई भी जावा क्लास क्रिएट करते हो उसको उसको क्या होता है, हमें रजिस्टर करना पड़ता है स्प्रिंग कंटेनर में। मतलब उसका जो इंस्टेंशिएशन होगा, उसका इनिशियलाइजेशन होगा, उसका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है जो स्प्रिंग बिन, राइट। स्प्रिंग बिन क्या होता है थोड़ी देर में हम देखेंगे, वो सब दैट इज़ मैनेज बाय द स्प्रिंग कंटेनर ओनली। तो यहाँ जो बीन फैक्ट्री है और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों इंटरफेस है। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सा है वो हम देखेंगे अभी एग्जांपल में। और बीन फैक्ट्री क्या है, बेसिक कंटेनर है जो जो स्प्रिंग बीन होता है उसका इनिशियलाइजेशन, इंस्टेंशिएशन, इनिशियलाइजेशन ये सब में सपोर्ट करता है। लेकिन आप चाहते हो कि कोई इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन क्रिएट करना स्प्रिंग के थ्रू, तो आपको एडवांस कंटेनर यूज करना होगा, दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट विल प्रोवाइड सम एडिशनल फीचर्स, लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे बीन फैक्ट्री पर। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद फाइनली दोनों में क्या डिफरेंस है डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे एप्लीकेशन जो बीन फैक्ट्री कंटेनर है क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ इस SRC मेन जावा में और यहाँ मैं एक पैकेज क्रिएट करता हूँ com.kkhindigyan.r और यहाँ लेट्स से कि मैं जो क्लाइंट टेस्ट, जो क्लाइंट एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मेन मेथड रहेगा, राइट, ओके। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मॉडल क्लास इन दिस डिफरेंट पैकेज। आई वुड से पैकेज नेम यहाँ मॉडल दे देता हूँ, मॉडल, राइट। और यहाँ जो मैं क्लास है, लेट्स से आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई एज मैसेज क्लास, राइट। तो यहाँ मैं दो फील्ड डिक्लेयर करूँगा, प्राइवेट, राइट, और यहाँ मैं मैसेज ID, राइट, व्हिच इज अ टाइप ऑफ इंटीजर, आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई इंटीजर टाइप है मैसेज, राइट। एंड अनदर फील्ड आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ मैसेज इटसेल्फ, राइट, मैसेज टाइप ऑफ स्ट्रिंग। दो फील्ड हमने डिक्लेयर किया और सिंपली आई एम गोइंग टू क्रिएट सेटर्स एंड गेटर्स। सो यू हैव टू गो इन द सोर्स एंड सोर्स में आपको सेलेक्ट करना है जेनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल एंड जस्ट क्लिक ऑन जेनरेट। तो इस तरह से हमने सेटर गेटर, सिंपल मॉडल क्लास है, राइट, व्हिच इज हैविंग टू फील्ड्स, प्राइवेट फील्ड्स एंड करस्पॉन्डिंग पब्लिक सेटर गेटर में, राइट। नाउ लेट्स से कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट द स्प्रिंग फ्रेमवर्क एज ऑफ नाउ, लेट्स टॉक अबाउट दिस। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ और एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। इंस्टेंस बोलूँ और या ऑब्जेक्ट बोलूँ एक ही बात है। आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, तो कैसे क्रिएट करते हैं? यूजुअली हम न्यू ऑपरेटर का यूज करके करते हैं, राइट, मैसेज
क्लास नेम देन लेट मी इम्पोर्ट देन ऑब्जेक्ट नेम और इक्वल टू न्यू कीवर्ड का हम यूज करके इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद लेट्स से कि मैसेज आईडी मुझे सेट करना है, तो आई हैव ऑलरेडी पब्लिक सेटर मेथड राइट, तो सेट मैसेज आईडी मैं कर दूंगा। लेट्स से मैसेज आईडी 101 है। इसी तरह से मैं मैसेज कर सकता हूँ मैसेज भी राइट, मैसेज सेट कर सकता हूँ इस तरह से सॉरी वेलकम टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क, इस तरह से सिंपल मैसेज में सेट कर दिया राइट। और लेट्स से कि मुझे मैसेज प्रिंट करना होगा, तो मैं इस तरह से मैंने सेट कर दिया राइट। अब मुझे लेट्स से कि आईडी और मैसेज प्रिंट करना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस मेरे पास है और गेट मैसेज आईडी, आई विल डू गेट मैसेज आईडी और लेट्स से कि टाइप से सेपरेट कर देता हूँ यहाँ और मैसेज डॉट गेट मैसेज मैं इस तरह से सिंपली करूँगा राइट, ऐसी जैसा कि आप जावा में करते हो राइट। इट्स प्रीटी सिंपल, आई हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैसेज, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन राइट, इसको इंस्टेंशिएशन बोलते हैं। और ये जो नेक्स्ट दो लाइन है इसका इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इंस्टेंशिएशन एक बार हो गया तो ये जो दो प्रॉपर्टीज है, मैसेज आईडी जो पहला प्रॉपर्टीज है और दूसरा प्रॉपर्टी है मैसेज, तो इन दोनों को इनिशियलाइजेशन करना है। तो इस तरह से सेटर मेथड को कॉल करके वैल्यू सेट कर दिया और गेटर जो पब्लिक गेटर है उसका यूज करके हम मैसेज को मतलब प्रॉपर्टी को रिट्राइव कर लिया राइट। अब मुझे क्या करना है कि ये जो चीज़ें किया है इंस्टेंशिएशन एंड इनिशियलाइजेशन, आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस टास्क टू और आई वुड लाइक टू गिव दिस टास्क टू समवन एल्स। समवन एल्स कहता हूँ स्प्रिंग वर्ल्ड में क्या होगा, स्प्रिंग कंटेनर को मैं बोलूँगा, मैं स्प्रिंग कंटेनर को मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे स्प्रिंग कंटेनर आई विल टेल यू माय क्लास डिटेल्स, दिस क्लास डिटेल्स, आई विल टेल यू माय क्वालिफाइड नेम ऑफ योर क्लास, आई विल ऑल्सो टेल यू विथ व्हाट नेम यू हैव टू इनिशियलाइज दिस क्लास राइट। तो जस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर मी राइट। और ये भी आप स्प्रिंग कंटेनर को बोलना होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है मैसेज आईडी एंड मैसेज किस वैल्यू से आपको इनिशियलाइज करना है। दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू मूव इनटू द समवेयर इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ऑफ कोर्स दिस थिंग्स वी कैन डू यूजिंग अनोटेशन, लेकिन अभी हम करते हैं फोकस XML कॉन्फ़िगरेशन से कैसे कर सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू इन SRC मेन रिसोर्सेज आई एम गोइंग टू क्रिएट एन XML फाइल। ओके सो लेट मी क्रिएट वन XML फाइल, सॉरी हियर यू हैव टू सर्च फॉर XML और एक सेलेक्ट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो XML का नाम है आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन मीनिंगफुल दे। क्लिक ऑन फिनिश। नाउ हियर ऑन द टॉप ऑफ दैट वी रिक्वायर्ड एक्सेस डील, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो किसी एग्जिस्टिंग एग्जांपल से कॉपी पेस्ट करना होगा। तो आई स्टिल आई एम ऑन स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन पेज, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से ये जो XSD है XSD बीन्स वाला टैग, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना है। इसको आप मैनुअली लिखना बहुत होगा, इसको कॉपी पेस्ट करना होता है कहीं से राइट। और यहाँ देख सकते हो कि बीन्स टैग स्टार्ट हो रहा है, तो यू हैव टू क्लोज बीन्स टैग ओवर हियर राइट, नॉट बीन बट यू हैव टू क्लोज द बीन्स टैग राइट। बीन्स स्टार्ट हुआ तो क्लोज होगा XML में राइट। सॉरी यू हैव टू जस्ट राइट द बीन्स क्लोज टैग राइट। और एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ जो XSD है, XSD इसमें सारे रूल्स डिफाइन है राइट, XSD में सारे रूल्स डिफाइन है राइट। तो आप सोच रहे होंगे कि XSD का लोकेशन HTTPS है, ये तो इंटरनेट पे चेक करेगा राइट, बट इट देखो आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ये XSD को इंटरनेट से चेक कर लेगा, लेकिन ये जो XSD फाइल है ये आपके जार फाइल में भी रहता है, ये जार फाइल में वहाँ से वेरीफाई कर लेगा। आप जो भी टैग यहाँ लिखते हो ठीक है ना, उस पर रूल अप्लाई किया जाता है, वो रूल इस XSD फाइल में होता है राइट। तो XSD फाइल क्या होता है, XML फाइल ही होता है, लेकिन XML को वैलिडेट करने के लिए जो भी XML में आप लिख रहे हो उसको वैलिडेट करने का रूल्स इसमें डिफाइन होता है राइट।
दिस थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो बीन्स स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग राइट। और यहाँ देखो कि एक्सएसडी का वर्जन नहीं दिया हुआ है, वर्जन नहीं दिया है। दिस इज नॉट रिलेट, दिस इज नॉट बेसिकली स्टिक टू द एनी स्प्रिंग वर्जन। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप देखोगे कि यहाँ वर्जन दिया रहता है, जैसे 5 यहाँ ऐसा कुछ रहेगा 5.3.13। तो आई वुड रिकमेंड यू टू डोंट यूज वर्जन विथ योर एक्सएसडी। इससे क्या होगा कि यू आर जस्ट स्टिकिंग टू दैट वर्जन राइट। तो इसको मोर जेनरिक रखो, वर्जन है तो डिलीट कर देने का, ताकि ये जेनरिक रहेगा, ये किसी भी स्प्रिंग वर्जन के लिए काम करेगा। नाउ हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टैग इज कॉल्ड बीन राइट। और बीन में बीन टैग स्टार्ट हुआ क्लोज हुआ। बीन में कुछ एट्रीब्यूट्स आपको देना होगा। पहला एट्रीब्यूट क्या है, आईडी दे सकते हो, नहीं तो नेम भी दे सकते हो, बोथ आर सेम राइट। तो आईडी मेक सेंस, आईडी से पता चलता है कि यूनिक कुछ देना है। तो आईडी मैं दे रहा हूँ मैसेज। क्यों मैसेज दे रहा हूँ कि आई वुड लाइक टू कीप एज इट इज, ऑब्जेक्ट का नाम मुझे मैसेज चाहिए, तो ये मैं दे रहा हूँ ठीक है। आप आईडी के जगह नेम भी आप यूज कर सकते हैं, बोथ विल वर्क। उसके बाद मैं मेरे को स्पेस देके क्लास लिखना होता है। क्लास, क्लास मतलब क्वालिफाइड नेम ऑफ योर स्प्रिंग बीन। अब ये जो है मैसेज, आप इसको एज ए स्प्रिंग बीन मैं स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो जो जनरल टर्म में इसको क्या कहेंगे, मैसेज, मैसेज क्लास। लेकिन स्प्रिंग यदि इसका लाइफ साइकिल मैनेज करेगा तो इसको स्प्रिंग बीन बोलेंगे। तो इसका मैं क्वालिफाइड नेम कॉपी करा यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दिया राइट। तो दो एट्रीब्यूट देना है, पहला आईडी और दूसरा क्वालिफाइड नेम ऑफ क्लास। और इनसाइड दैट यू हैव टू डू काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन। तो इसके दो प्रॉपर्टी है, पहला मैसेज है एज इट इज, इसी तरह से लिखना होगा, एक बहुत केस सेंसिटिव है राइट। यहाँ कैपिटल आई है तो आई होना चाहिए। उसके बाद नेम एंड वैल्यू मैं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हे स्प्रिंग कंटेनर, आई एम टेलिंग यू माई क्वालिफाइड नेम ऑफ क्लास, जस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास विद दिस नेम। नाउ इन दिस मैसेज क्लास आई हैव टू प्रॉपर्टीज राइट, वन इज मैसेज आई डी, सेकेंड इज मैसेज। सो आई एम टेलिंग यू द प्रॉपर्टी नेम एंड जस्ट आई एम टेलिंग यू द क्रॉस्पॉन्डिंग वैल्यू, वाट वैल्यू यू हैव टू सेट इन दिस प्रॉपर्टी। सो एंड आफ्टर दैट अगेन आई हैव अनदर प्रॉपर्टी एज राइट, एंड दैट इज कॉल्ड मैसेज, एंड आई वुड लाइक टू इनिशियलाइज दैट प्रॉपर्टी एज वेल राइट। तो मैसेज लिखना है बिल्कुल एज इट इज लिखना है, और आई वुड लाइक टू इनिशियलाइज दिस मैसेज प्रॉपर्टी एज वेल विद सम वैल्यू, एंड जस्ट आई एम टेलिंग यू द वैल्यू, वाट वुड बी द वैल्यू। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे दिया राइट, प्रीटी सिंपल। अब आपको करना है कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट एफ फॉर फॉर्मेटिंग राइट। ये जो स्पेस है सब रिमूव कर देते हैं राइट, इसको एक ही लाइन में रखना चाहते हो तो लग सकते हो ऐसे भी राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड बीन का मतलब क्या हुआ, ये आईडी का मतलब इसी आईडी से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा राइट। और उसके बाद दोनों प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको मैंने स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर कर दिया। अब इसको मैं इसके इंस्टेंस को कैसे रिट्राइव करूंगा, क्लाइंट कोड हमें लिखना है राइट। नाउ स्टिल वी हैव सम कंपाइलेशन एरर। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना है बीन फैक्ट्री इक्वल, लेट्स से कि ये मैं नल से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं ट्राई कैच लिखूंगा, ट्राई कैच ओके। लेट्स से इफ सम एक्सेप्शन अराइजेज देन प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देता हूँ। अब मैं बीन फैक्ट्री क्या है, इंटरफेस है राइट। यू कैनॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, सो यू नीड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस गाई राइट। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या होता है, XML बीन फैक्ट्री होता है राइट। तो इसको देखोगे तो देर आर टू कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास राइट। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस सिंपल वन विच टेक्स रिसोर्स एज एन आर्गूमेंट राइट। तो रिसोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा राइट, रिसोर्स। दो रिसोर्स है, डोंट गेट कन्फ्यूज, आपको करना है ये वाला रिसोर्स r.springform.code.io राइट। एंड रिसोर्स यहाँ पे क्या लिखना है कि न्यू और क्लास पाथ रिसोर्स राइट। यहाँ स्ट्रिंग एज ए पाथ स्पेसिफाई करना होगा। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा ये जो XML फाइल है उसका नाम, विच इज ऑलरेडी वी हैव डम्प्ड इनसाइड द SRC मेन रिसोर्स राइट। ऑटोमेटिकली स्प्रिंग उठा लेगा राइट। नाउ वी हैव एन रेफरेंस ऑफ बीन फैक्ट्री राइट। गाइज लेट मी टेल यू, XML बीन फैक्ट्री ऑलरेडी डेप्रिकेटेड है राइट। दिस वॉज ऑलरेडी डेप्रिकेटेड इन स्प्रिंग 4 इटसेल्फ, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई दे कैरी ऑन विथ स्प्रिंग 5 इटसेल्फ राइट।
बट हमें लर्न करना है कि कितने टाइप के स्प्रिंग कंटेनर है, तो लर्न तो करना ही होगा। उसके बाद यहाँ गेट बिन मेथड है, गेट बिन, यू विल गेट लॉट ऑफ ओवरलोडेड गेट बिन मेथड, वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियोज कि सारे गेट बिन मेथड के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। इस जो स्ट्रिंग नेम ले रहा है, तो यहाँ नेम इज नथिंग बट आईडी आपको पास करना होगा, ये जो XML बीन डिक्लेयर किया AID, एग्जैक्टली AID पास करना होगा, राइट। एंड दिस गाय विल रिटर्न यू एन ऑब्जेक्ट, राइट, ऑब्जेक्ट, इसका रिटर्न टाइप देखोगे तो ऑब्जेक्ट होगा। अब क्या करना होगा आपको, इस ऑब्जेक्ट को मैसेज में टाइप कास्ट करना होगा, ठीक है, मैसेज में टाइप कास्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस, राइट, तो मैसेज में टाइप कास्ट करना होगा, और आगे का कोड यही रहेगा जो यहाँ मैसेज रिटाइप करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। सो ये जो कर रहे थे यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये सब हार्ड कोड कर रहे थे। नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, आई हैव ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज गोइंग टू टेक केयर बाय द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट, दैट इज मूव्ड इनटू दिस XML फाइल, राइट। XML फाइल में ऑब्जेक्ट क्रिएशन चला गया, राइट, ये जो XML फाइल है इसमें हमने डाल दिया एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस, राइट। नाउ लेट मी रिमूव दिस, now that's it, if I run, then let me show you how it works, and okay, तो यहाँ हमने क्या किया guys, guys हम लोग इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, sorry, मुझे सेटिंग प्रॉपर्टी सेटिंग तो ऑलरेडी हो गया, आपको फिर मैसेज आईडी और मैसेज प्रिंट करना है। now if I run, then here you can see I am able to print the message ID and message itself, right? तो basically ये source code हमें समझना होगा। source code में हमने क्या किया कि bin factory का object create किया, bin factory is basically an interface, so we found its corresponding implementation class, we have instantiated this guy and assigned to bin factory, और यहाँ resource ले रहा है, तो resource का object create करना होगा, the class path resource is the implementation of resource interface, तो यहाँ पास किया resource का क्लास पाथ रिसोर्स में आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो XML फाइल है उसका नाम पास करना होगा। नाउ आई एम जस्ट यूजिंग दिस रेफरेंस बिन फैक्ट्री एंड कॉलिंग गेट बिन मेथड, जहाँ मैं जो मेरा स्प्रिंग बिन है, गाइज नाउ इट इज कॉल्ड स्प्रिंग बिन बिकॉज इंस्टेंशिएशन एंड इनिशियलाइजेशन एज वेल एज लाइफ साइकिल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज टेकन केयर बाय द स्प्रिंग कंटेनर, राइट, तो इसीलिए आप इसको स्प्रिंग बिन बोलेंगे। लाइफ साइकिल क्या होता है स्प्रिंग बिन का, एंड ऑल वी विल डिस्कस, नॉट ए प्रॉब्लम इन द फ्यूचर वीडियो। तो इस तरह से मैं आईडी पास कर रहा हूँ, इस तरह से स्प्रिंग क्या करेगा, मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न दे देगा, लेकिन इसका रिटर्न जब देगा तो स्प्रिंग को पता नहीं है कि कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो ये सुपर टाइप दे रिटर्न कर देता है। आप इसको टाइप कास्ट करना होगा, आपके खुद का बिजनेस ऑब्जेक्ट है उसमें, और उसके बाद गेटर मेथड मैंने इस पर कॉल किया, और इस तरह से मैंने मैसेज आईडी और मैसेज रिटाइप कर लिया, राइट, और इस तरह से देख सकते हो कि हमें आउटपुट ये मिल गया। Whatever we have done over here in the XML file, these things can be done using Java code itself or using annotation. ठीक है ना, वो चीज़ हम future video में जरूर देखेंगे, लेकिन यदि आपकी understanding crystal clear है, right, कि how we can register a Java class as a spring bean in the configuration file, यदि आप XML के through समझ गए तो आप annotation समझना बहुत आसान है guys. That's why I have started using फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन, XML कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बिन फैक्ट्री जो जो एक स्प्रिंग कंटेनर है उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम इंस्ट्रक्ट करेंगे स्प्रिंग कंटेनर को कि किसी जो जावा क्लास है उसको ऐसे एज ए स्प्रिंग बिन हम कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे इंस्टेंशिएट और इनिशियलाइज करेंगे, और कैसे हम ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग कंटेनर से, हाउ आई विल आस्क टू स्प्रिंग कंटेनर टू गिव मी the spring bin by specifying its ID, and after that just we have printed values of object, right, or state of the object. So thank you so much for watching this video. As far as this source code concern, मैं ये source code अपने blog पे post कर दूंगा, और उसका link video के description में दे दूंगा। Guys, big thank you and see you there in the next video tutorial.